लेक्चर ऑफ कंट्रोल सिस्टम गाइस। इस लेक्चर में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताऊंगा टॉर्क और टॉर्क रेशियो के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आपने लेक्चर को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बंधु। तो चलिए, कल हमने देखा था मैक्सिमम टॉर्क का एक्सप्रेशन। मैक्सिमम टॉर्क का एक्सप्रेशन, हम मैक्सिमम टॉर्क को TEM से रिप्रेजेंट कर रहे थे, या आप चाहो तो टी मैक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो TEM का फॉर्मूला हमने क्या डिराइव किया था, 3 ओमेगा एस वी वन स्क्वायर अपॉन 2 एक्स टू डैश का स्क्वायर। आप चाहो तो एक्स टू डैश लिख सकते हो, हम एक्स टू डैश के बिना भी लिख सकते हो, बट स्टार्टिंग से एक्स टू डैश का क्या मतलब है, रोटर का रिएक्टेंस रेफर्ड टू स्टेटर साइड। जब ये रोटर साइड था तो सिर्फ हमने एक्स टू लिया था, अब हमने उसको स्टेटर साइड ट्रांसफर कर दिया, इसलिए एक्स टू डैश हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो द स्टार्टिंग टॉर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ रोटर रेजिस्टेंस, सॉरी जो मैक्सिमम टॉर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ रोटर रेजिस्टेंस, क्योंकि मैक्सिमम टॉर्क का ये जो एक्सप्रेशन है, ये मैक्सिमम टॉर्क का एक्सप्रेशन है। तो मैक्सिमम टॉर्क के एक्सप्रेशन में कहीं पे भी R2 नहीं आ रहा है, इसका मतलब मैक्सिमम टॉर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ रोटर रेजिस्टेंस। Right? It means if we increase the value of rotor resistance R2, अगर हम रोटर रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाते हैं किसी पर्पस के लिए, स्पीड कंट्रोल के लिए या किसी भी चीज के लिए, तो मैक्सिमम टॉर्क हमारा अनअफेक्टेड रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। देन मैक्सिमम टॉर्क विल रिमेन अनअफेक्टेड। करेक्ट। अब मुझे बताइए स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क ऑकर्स, यानी कि SMT की वैल्यू हमने क्या डिराइव करी थी, R2 डैश डिवाइडेड बाई X2 डैश, ये क्या है, स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क ऑकर्स। स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क ऑकर्स, तो यहां से हमारा पूरा स्टेटमेंट क्या बन जाता है, जो मैक्सिमम टॉर्क है वो तो रोटर रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा, बट जो स्लिप है जिस पे मैक्सिमम टॉर्क हमें मिल रहा है, यानी कि स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क ऑकर्स विल डिपेंड ऑन रोटर रेजिस्टेंस। आप देख सकते हो SMT जो है वो R2 पे डिपेंड कर रहा है। तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, बट स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क ऑकर्स इज डिपेंडेंट ऑन रोटर रेजिस्टेंस R2। तो पूरा स्टेटमेंट अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो कि जो मैक्सिमम टॉर्क है वो रोटर के रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा, बट जो स्लिप है मतलब जिस पे मैक्सिमम टॉर्क हमें मिल रहा है SMT, वो डिपेंड कर रही है रोटर रेजिस्टेंस पे। यानी कि अगर हम रोटर का रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं, इफ वी इंक्रीज द रोटर रेजिस्टेंस देन द स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क इज ऑकरिंग विल इंक्रीज। और हम जानते हैं NR की वैल्यू क्या होती है, रोटर स्पीड की वैल्यू क्या होती है, NS1 - S। तो रेजिस्टेंस हमने बढ़ाया तो स्लिप की वैल्यू बढ़ी, स्लिप की वैल्यू बढ़ी तो स्पीड हमारी इंक्रीज हो गई। तो इन चीजों पे इफेक्ट पड़ेगा, बट मैक्सिमम टॉर्क पे रेजिस्टेंस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चलिए अब हम डिराइव करने की कोशिश करते हैं स्टार्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला। मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं स्टार्टिंग टॉर्क के फॉर्मूले पे।
देखिए मैक्सिमम टॉर्क तो हमने डिराइव कर लिया है, अब हम डिराइव करने जा रहे हैं स्टार्टिंग टॉर्क। तो देखिए कोई भी फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप याद रखिए कि हम कैसे डिराइव कर रहे हैं। तो ओवरऑल किसी एक टॉर्क का जो कंप्लीट फॉर्मूला था वो क्या था, टॉर्क इज इक्वल टू 3/ωs। इसी के बाद तो हमने अप्रोक्सीमेशन किया था, VTH का स्क्वायर डिवाइडेड बाई RE प्लस R2 डैश डिवाइडेड बाई स्लिप का स्क्वायर प्लस XE प्लस X2 डैश का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई R2 डैश डिवाइडेड बाई स्लिप। तो ये हमें एक लंबा चौड़ा फॉर्मूला मिला था एनी टॉर्क का, ये मैक्सिमम टॉर्क का इक्वेशन है, या आप इसे सॉरी मैक्सिमम टॉर्क नहीं फुल लोड टॉर्क का इक्वेशन है, आप इसे एनी टॉर्क भी बुला सकते हो। तो ये बहुत लंबा चौड़ा इक्वेशन है, हमने इसमें अप्रोक्सीमेशन किया था। लेट अस डू अप्रोक्सीमेशन। क्या अप्रोक्सीमेशन था, नेग्लेक्ट आर्मेचर इंपीडेंस, आर्मेचर इंपीडेंस को क्या कर दीजिए, नेग्लेक्ट कर दीजिए। तो ध्यान दीजिए आर्मेचर इंपीडेंस को जैसे ही हम नेग्लेक्ट करते हैं, आर ई की वैल्यू जीरो हो जाती है, अपना प्रीवियस नोट्स देखिए, एक्स ई की भी वैल्यू जीरो हो जाती है, थेवेनिन्स वोल्टेज चेंज हो जाता है V1 से। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, टॉर्क इज इक्वल टू 3/ωs V1 स्क्वायर R2 डैश बाई S का स्क्वायर प्लस X2 डैश का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई R2 डैश बाई S। ये अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूला है टॉर्क का, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। बट हमें कौन सा फॉर्मूला डिराइव करना है, हमें स्टार्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला डिराइव करना है, वी वांट टू डिराइव स्टार्टिंग टॉर्क। तो देखिए एट स्टार्टिंग, स्टार्टिंग कंडीशन में जो स्लिप की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, एट स्टार्टिंग एस की वैल्यू होती है 1। तो अगर हम एस की वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में 1 पुट कर देते हैं तो हमें स्टार्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला मिल जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, T starting is equal to 3/ωs V1 square R2 dash ka square plus X2 dash ka square और R2 dash by S में से R2 dash यहाँ पे चला आएगा, ये होगा हमारा starting torque का formula। स्टार्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया। अभी क्वेश्चन आता है टॉर्क रेशियो से रिलेटेड, यानी कि आपसे पूछा जा सकता है कि फुल लोड टॉर्क अपॉन मैक्सिमम टॉर्क का रेशियो क्या होगा, या स्टार्टिंग टॉर्क अपॉन मैक्सिमम टॉर्क का रेशियो क्या होगा। तो वो दोनों फॉर्मूले हम डिराइव कर लेते हैं, जिसमें आप डायरेक्ट किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो, बहुत क्वेश्चन बनते हैं इससे। तो चलिए देखते हैं टॉर्क रेशियो, तो चलिए हम टॉर्क रेशियो डिराइव करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मुझे बताइए एनी टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, अभी अभी हमने देखा जस्ट एनी टॉर्क टी का जो फॉर्मूला है वो है 3/ωs V1 स्क्वायर R2 डैश अपॉन S डिवाइडेड बाई R2 डैश अपॉन S का स्क्वायर प्लस X2 डैश का स्क्वायर। ये है इक्वेशन फर्स्ट, इसे ले लीजिए, ये एक्सप्रेशन है एनी टॉर्क का या फुल लोड टॉर्क का, ये ना स्टार्टिंग टॉर्क है ना मैक्सिमम टॉर्क है, ये एनी टॉर्क का फॉर्मूला है जो कि हमने अप्रोक्सीमेशन से निकाला था। ये देखिए ये वाला फॉर्मूला, इक्वेशन सेकंड वाला, एनी टॉर्क का फॉर्मूला हमें पता है। अब हम मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला भी हम जानते हैं, मैक्सिमम टॉर्क को आप टी मैक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट हम यहाँ पे शुरू से ही टी ई एम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला मैंने आपको डिराइव करवाया क्या था, 3/ωs V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2X2 डैश। ये है इक्वेशन सेकेंड, ये किसका फॉर्मूला है, मैक्सिमम टॉर्क का।
ये मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला है, बट वी वांट टू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एनी टॉर्क अपॉन मैक्सिमम टॉर्क। हम एनी टॉर्क टी अपॉन मैक्सिमम टॉर्क टी ई एन का रेशियो कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो डिवाइड इक्वेशन वन बाय इक्वेशन टू, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकेंड, तो हमें मिल जाएगा टी डिवाइडेड बाय टी ई एम इज इक्वल टू, पूरा फॉर्मूला लिख देते हैं क्योंकि किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये चीज कैसे आई, आर टू डैश डिवाइडेड बाय एस डिवाइडेड बाय आर टू डैश डिवाइडेड बाय एस का स्क्वायर प्लस एक्स टू डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाय थ्री बाई ओमेगा एस वी वन स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू एक्स टू डैश। तो यहाँ पे थ्री वी एस से थ्री वी एस कैंसिल आउट हो रहा है, वी वन स्क्वायर से वी वन स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, क्या मिल रहा है हमें, आर टू डैश अपॉन एस टू एक्स टू डैश डिवाइडेड बाय आर टू डैश अपॉन एस का स्क्वायर प्लस एक्स टू डैश का स्क्वायर, ये हमें मिल गया। बट वी नो दैट बट हमें एक चीज पता है कि स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क ऑकर्स क्या होता है, आर टू डैश अपॉन एक्स टू डैश, राइट। तो इसे मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फोर्थ। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड अगर हम एक्स टू डैश से डिवाइड कर दें न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को भी x2 डैश से डिवाइड कर दें तो कोई फर्क नहीं आएगा, राइट। तो t डिवाइडेड बाय TEM यानी कि एनी टॉर्क डिवाइडेड बाय मैक्सिमम टॉर्क इज इक्वल टू r2 डैश बाय s डॉट 2x2 डैश डिवाइडेड बाय x2 डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r2 डैश डिवाइडेड बाय s का स्क्वायर प्लस एक्स टू डैश का स्क्वायर, इसको भी हम डिवाइड कर देते हैं एक्स टू डैश के स्क्वायर से, तो ये कैंसिल आउट हो गया, हमें क्या मिल रहा है, टी डिवाइडेड बाई टी ई एम, साथ साथ में करते जाइए अभी बहुत आसान है, आर टू डैश अपॉन एक्स टू डैश डॉट टू बाई एस आर टू डैश अपॉन एस एक्स टू डैश का स्क्वायर प्लस वन। अब हमें पता है फ्रॉम इक्वेशन फोर आर टू डैश अपॉन एक्स टू डैश क्या होता है, एस एम टी, तो ये हो जाएगा एस एम टी या टू एस एम टी बाई एस डिवाइडेड बाई एस एम टी बाई एस का स्क्वायर प्लस वन। हमें एक फाइनल फॉर्मूला क्या मिल गया, टी डिवाइडेड बाई टी ई एम इज इक्वल टू टू एस एम टी डिवाइडेड बाई एस एम टी डिवाइडेड बाई एस का स्क्वायर प्लस वन। अब हम एक काम करते हैं एस एम टी बाई एस से डिवाइड कर देते हैं, यहां न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को भी एस एम टी बाई एस से डिवाइड कर देते हैं, क्या मिलेगा हमें, ऊपर मिलेगा टू नीचे मिलेगा एस एम टी बाई एस प्लस एस अपॉन एस एम टी। तो ये फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया एनी टॉर्क अपॉन मैक्सिमम टॉर्क का क्या है, टू डिवाइडेड बाई, नेक्स्ट क्लास में हम इस पे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, एस एम टी डिवाइडेड बाई एस प्लस एस
अपॉन एसएमटी। एस क्या है यहाँ पे? फुल लोड स्लिप है, और एसएमटी क्या है? मैक्सिमम टॉर्क वाली स्लिप। तो ये अपने को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट फॉर्मूला हमें क्या डिराइव करना है? नेक्स्ट फॉर्मूला हमें डिराइव करना है स्टार्टिंग टॉर्क अपॉन मैक्सिमम टॉर्क। अभी हमने क्या डिराइव किया था? एनी टॉर्क अपॉन मैक्सिमम टॉर्क, दोनों बहुत बार पूछा जाता है। तो हम मैक्सिमम को टी मैक्स नहीं लिख रहे हैं, टी ई एम लिख देते हैं, क्योंकि शुरू से ही हमने टी ई एम लिखते आए। अगर आप शुरू से टी मैक्स लिख रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए हम फॉर्मूला फिर से लिखते हैं। स्टार्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला क्या था? जितनी बार लिखेंगे उतना हमें याद रहेगा। तो 3 डिवाइडेड बाय ओमेगा एस वी वन स्क्वायर आर टू डैश डिवाइडेड बाय एक्स टू डैश का स्क्वायर प्लस आर टू डैश का स्क्वायर, करेक्ट? ये है स्टार्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला। मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? टी ई एम। तो मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला होता है 3 बाई ओमेगा एस वी वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एक्स टू डैश। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर दें तो हमें हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन मिल जाएगा, ठीक है? तो टी स्टार्टिंग डिवाइडेड बाई टी ई एम इज इक्वल टू 3 बाई ओमेगा एस वी वन स्क्वायर आर टू डैश डिवाइडेड बाई एक्स वन डैश का स्क्वायर प्लस आर टू डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 बाई ओमेगा एस वी वन स्क्वायर टू एक्स टू डैश। तो यहां से 3 बाई वी एस 3 बाई वी एस कैंसिल आउट हो जाएगा, वी वन स्क्वायर कैंसिल आउट। क्या मिलेगा यहां से हमें? हमें यहां से मिल जाएगा 2 आर टू डैश एक्स टू डैश डिवाइडेड बाई एक्स वन डैश का स्क्वायर, सॉरी एक्स टू डैश का स्क्वायर, यहां पे एक्स टू कर लीजिएगा, एक्स टू डैश का स्क्वायर यहां पे भी आ जाएगा एक्स टू डैश का स्क्वायर प्लस आर टू डैश का स्क्वायर। अब हम एक काम करते हैं, यहां पे इस न्यूमरेटर को एक्स टू डैश के स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, इस डिनोमिनेटर को भी एक्स टू डैश के स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो एक एक्स टू डैश इससे चला गया, क्या मिल रहा है हमें? स्टार्टिंग टॉर्क डिवाइडेड बाय मैक्सिमम टॉर्क इज इक्वल टू 2 आर टू डैश अपॉन एक्स टू डैश डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर टू डैश अपॉन एक्स टू डैश का स्क्वायर। और हम जानते हैं कि स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क ऑकर्स इज इक्वल टू आर टू डैश अपॉन एक्स टू डैश। वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे। सो स्टार्टिंग टॉर्क अपॉन मैक्सिमम टॉर्क इज इक्वल टू 2 एस एम टी अपॉन 1 प्लस एस एम टी का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला भी हमें याद रखना है, एक ये फॉर्मूला, और दूसरा वाला फॉर्मूला भी मैं आपको लिखवा देता हूं। एनी टॉर्क अपॉन मैक्सिमम टॉर्क इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई एस एम टी अपॉन एस। यहाँ पे जो एस है वो है फुल लोड स्लिप, और एस एम टी क्या है? स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क ऑकर्स, मैक्सिमम टॉर्क वाली स्लिप, एस अपॉन एस एम टी। तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप टॉर्क रेशियो वाले सॉल्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दीज टू एक्सप्रेशंस, राइट? जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा आएगा उसमें हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको क्वेश्चंस की, ज्यादातर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दूंगा टॉर्क रेशियो पे डिपेंड, राइट? तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ट्राई करिए कि
अपना नोट्स खुद से प्रिपेयर करते जाने का, राइट? सो थैंक यू वेरी मच.